से है कि गाने को शूट करने का बहुत मज़ा आया हमको। दुबई इतनी खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा घूमने का टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं रक्षाबंधन का शूट ख़त्म करके फ्लाइट पकड़ के दुबई पहुँचा। वहाँ मैंने एक दो घंटे में फ्रेश हुए एंड देन वी स्टार्टेड शूटिंग एंड वी वर ऑल ओवर द प्लेस। दुबई में जितनी खूबसूरत लोकेशन हमें मिल सकती थी हमने वो सब जगह पर जाके शूट किया है। टायरिंग था लेकिन मज़ा बहुत आया एंड पैकअप करते ही फ्लाइट पकड़ के आई केम बैक टू मुंबई एंड यहाँ पे मेरा शूट रेडी था रक्षाबंधन का। तो आई वुड जस्ट से दिस कि जितनी मेहनत मैंने की इस सॉन्ग के लिए उससे ज़्यादा खूबसूरत एक गाना निकला है। आई एम रियली रियली हैप्पी दैट आई हैड सच अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस विद मी, सच एन अमेजिंग सिंगर हु सैंग दिस सॉन्ग एंड शूट करने में बहुत मज़ा आया। एंड वसीम अमरोही आई थिंक इज़ अ वंडरफुल जेम ऑफ अ ह्यूमन बींग। मैं उनको पहले नहीं जानता था लेकिन जब हमारी बात हुई तो फ़ोन पे ही हमारी एक बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया और जब शूट किया साथ में तो एक बहुत गहरी दोस्ती हो गई जो आई थिंक लाइफ लॉन्ग चलेगी। कुछ भी आप बताइए, कैसा अनुभव था इस गाने का और आज लोग पसंद कर रहे हैं काफ़ी इस गाने को, तो कैसा लगा? मैं तो मेरा एक्चुअली देखा जाए तो पहला सॉन्ग था दुबई में, तो आई वॉज लिटिल नर्वस। आई डिडंट नो दैट एंड या पहला सॉन्ग था दुबई में, दुबई में पहला सॉन्ग था मेरा, मेरा भी पहला सॉन्ग था और लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो गया जब मैं निशान से मिली। ही सुपर काम एंड यू नो ही सुपर एनर्जेटिक, इन्होंने मुझे बहुत इंस्पिरेशन दी एंड सब एक फैमिली की तरह काम कर रहे थे और पता ही नहीं चला मतलब पूरा दिन कैसे निकल गया। ऐसा लग रहा था एक घंटा ही हुआ है साथ में और पूरा 24 आई थिंक 18 आवर्स हमने शूट किया, 18 आवर्स और इतनी जल्दी चले गए और बहुत प्यारा शूट हुआ है एंड थैंक्स टू एवरीवन। सर, योर एक्सपीरियंस बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड अबाउट वसीम सर, हु हैज प्रोड्यूस्ड। एक्चुअली जब मैं गाना बना रहा था ये तब मुझे नहीं पता था कि ये गाना कहाँ जाएगा और कौन कौन कास्ट होगा, लेकिन जैसे पता चला कि रामजी भाई को ये गाना पसंद आया है, पंखा है इंतजाम हो नहीं पा रहा है, ट्राई फैंटास्टिक सॉन्ग लेट्स डू दिस, तो वैसे ही हमने तुरंत इस पर काम चालू किया। एंड जैसे आप देख सकते हो वसीम भाई ने हमको इतना सपोर्ट किया है स्टार्ट से, सुबह से लेके, वैसे ही रामजी भाई को आज हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे कि रामजी भाई यहाँ होते तो और माहौल और अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं। वसीम भाई और रामजी भाई इन दोनों ने हमें बहुत सपोर्ट किया शूट के दौरान। सुबह सुबह 7 o'clock राइट, वी गॉट अप एट 5, वी गॉट रेडी बाय 6, वी स्टार्टेड शूटिंग बाय 7। हाँ एक्चुअली तो सुबह सुबह उठे, रात को कोई सोए भी नहीं सही से, लेकिन शूट बहुत बढ़िया तरीके से हुआ और गाना आपके सामने, आप लोगों को कैसा लगा आप बताइए। इट इज फॉर मी, इट इज निशांत एंड खुशबू इज द बैकबोन ऑफ द सॉन्ग एंड एवरी टाइम दे आर पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो आई कैन सी द कमेंट, यू नो इट इज मोर देन 10,000 कमेंट, मोर देन 1 lakh, 2 lakh लाइक्स ऑन एवरी पोस्ट वैन दे आर पुटिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड पीपल आर crazily, you know, crazily loving this song and especially on Instagram it is going very viral, all the reels are going in millions, you know, we have approx we are touching 3 million on YouTube also and I see in Dubai, you know, Dubai people are loving this song very much because we shot in Dubai and we have our own production house in Dubai. In each and every Indian Pakistani cafe this song is running, we have couple of reels also. We saw people are loving this song in India also and especially Nishant, you know, from the day first we thought through this song with Nishant and you know Dinesh bhai told me that the best guy for this song is Nishant Malkhani and then I called Nishant and I said that I want one day because he's super busy, he's shooting day and night and of course he's doing a couple of more videos and music videos also. So I called him and I want to thank him that he has given me one day of this thing, you know. And Dubai is very hot, you know, nowadays, like so it was very difficult to dance all day, you know. If you see the video we shot in beautiful locations and where there's no shadow, you know. So for Khushbu and Nishan it was very difficult, but the combo of Khushbu and Nishan we are going to repeat very soon inshallah. We have a huge setup in Dubai and we are planning a number of songs, you know, with Ramji shooting every day there and now we are planning more than 100 songs this year. Let's see
what is going to happen, but we have 100 songs. हम दोनों कितने कर रहे हैं? 100% you are the beginning. 100% हम कर रहे हैं. You are the beginning. 100 song हम कर रहे हैं. टीवी भी छोड़ दो. You are the beginning. You are the beginning. So you are going to be, of course, you are going to be major part. And again, I want to thank Meri Bandi and I want to thank all of you to come here and support. I can see at least 100 cameras here. I have no word for you guys, you know. Thank you very much. Thank you for showing so much Nishant, of love. Nishant, as an actor, music video ka sabse bada USP kya lagta hai? As an actor, aapko kya explore karne ko milta hai? Time kam hota hai. What is the benefit of being part of a music video industry? Dekho, hum log jab TV karte hai na, to TV pe ek particular character aap, jaise main Raksha Bandhan ek saal se kar raha hu, Good Dad maine 2 saal kiya tha. To hum log ek hi cheez day in day out karte rehte hain. Usme hum koshish karte hain ki har roz kuch naya dhoond lein, kuch naya kar lein. Lekin jab ek music video aata hai, to it's like a absolute break for us. It's a refreshing break for us. Aisa lagta hai ki मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो मुझे रीसेट कर देगा और वो करने के बाद वापस अपने शो में आके ऐसा लगता है कि ओके नाउ आई एम बैक आई एम रिचार्ज्ड एंड दैट आई लव डूइंग म्यूजिक वीडियो. आप देखेंगे मैं काफ़ी करता रहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो सेटअप होता है जो जिस तरह के शॉर्ट्स होते हैं वो टीवी में करने को मिलते नहीं है. तो इन अ म्यूजिक वीडियो आई एक्सप्लोर अ लॉट मोर एज एन एक्टर देन आई कैन ऑन टीवी. एज एन आर्टिस्ट को फ्रीडम मिलती है कि आप कोई भी मीडियम को एक्सप्लोर कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि कोई बाउंडेशन है. तो उसके लिए बताइए कि आगे क्या करने वाले हैं आप बेसिकली एज एन एक्टर. लाइक आई सेड टीवी तो खैर इट लाइक फैमिली वो तो कभी नहीं छूटेगा वो तो करते ही रहेंगे हम. बट वेब सीरीज जस्ट केम आउट रिसेंटली कॉल्ड शुभ मंगल में दंगल दैट इज डूइंग अमेजिंग ऑन हंगामा प्ले एंड एम एक्स प्लेयर. उसके बाद मेरी बंदी इज अ सुपर सक्सेस आई एम सो ब्लेस्ड फॉर दैट. और इसी तरह और भी कई गाने हैं जो धीरे धीरे आते रहेंगे. वसीम भाई ऑल्सो जस्ट मैंशन वी आर प्लानिंग अ सॉन्ग वेरी सून एंड आई थिंक दैट्स गोना बी इवन बिगर देन मेरी बंदी. तो एज एन एक्टर आई थिंक अब इतने मीडियम्स खुल गए हैं ना एंड इफ यू आर लव्ड बाय द ऑडियंस देन यू हैव सो मच वर्क टू डू. यू हैव सो मच ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड टू गेट टू डू सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स. सो आई एंजॉय डूइंग एवरी काइंड ऑफ वर्क. सर अबाउट यू मैन, आज के टाइम में इंडिपेंडेंट म्यूजिक का कितना ज्यादा स्कोप मानते हैं आप और आगे चल के क्या लग रहा है फ्यूचर होने वाला है? तो सर बहुत है इंडिपेंडेंट म्यूजिक के लिए क्योंकि म्यूजिक कभी रुकेगा नहीं. म्यूजिक और आते ही होगा और उसके स्टाइल्स भी बदलते रहते हैं. बहुत सारे लोग वेस्टर्न म्यूजिक को बहुत फॉलो करते हैं लेकिन हमारे इंडियन म्यूजिक में बहुत कुछ है जो हम इसी को तोड़ मरोड़ के कुछ अपना एक यूनिक स्टाइल निकाल के ला सकते हैं. जैसे कि दिस इज इंडी पॉप ओनली मेरी बंदी, बट इसको एक बंदी वाला टच देना, एक इंडियन लिरिक्स को लेके और जो आजकल हो रहा है कोई इरिटेट कर दिया लेकिन फिर भी मेरी बंदी क्यों है पूरी दुनिया में. तो ये सब एक छोटा छोटा टच देने की कोशिश की है. तो आगे बहुत फ्यूचर बहुत अच्छा है म्यूज़िक का, इंडियन पॉप का स्पेशल. आई थिंक मेरी बंदी के जो लिरिक्स है ना बहुत रिलेटेबल है. इरिटेट करती है, नकली रोती है, तंग करती है, जिद करती है, पर दुनिया में उससे क्यूट कोई नहीं है. इट्स लाइक अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग बट सेड इन अ वेरी लोकल लैंग्वेज जो अलग बच्चे भी समझ सकते हैं. इट्स फॉर ऑल एजेस यू नो. सो आई थिंक इट्स अ वेरी रिलेटेबल सॉन्ग एंड दैट्स व्हाई इट्स डूइंग सच एन अमेजिंग परफॉर्मेंस ऑन यूट्यूब. मैम, हाउ फार यू थिंक इट विल बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर योर करियर? एज सच मीन द सॉन्ग इज गुड, योर पिक्चर विद निशांत, दैट्स अ टर्निंग पॉइंट फॉर योर करियर. आई एम ब्लेस्ड वर्किंग विद हिम और मुझे लगता है कि इनकी वजह से इतना हाइप मिला है बिकॉज इनकी फैन फॉलोइंग, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है. एंड इनके बोल जो थे गाने के लिरिक्स खासकर, वो आजकल जो चलते हैं ना रील पे वो ऐसे ही चलते हैं क्योंकि लोगों को समझ आना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं. तो वो चीज़ सबको समझ आ रही है, छोटे बच्चे को भी समझ आ रही है, टीनेज को भी, बड़ों को भी, सबको समझ आ रही है. और मुझे लगता है इससे बहुत हाइप मिला है मुझे और इंशाल्लाह फ्यूचर में तो और ज़्यादा, मतलब ये स्टार्टिंग बहुत ब्यूटीफुल है. You know, I personally I'm into advertising and marketing since last 20 years and I have done more than 100 films, you know, like I got BBC National Award for Pink and Nirja for the best marketing campaign, ACFS for Sachin, Dhoni, Padmavati and many other awards, you know, like I have been associated in this industry and my family is into Bollywood since last, you know, many years. So now Inking Idea is purely into technology and production and of course social media management. Under production we are doing web series, we are doing, of course we started song, we have done number of commercial ads for SBI and many other brands. So plans are big. We are going to produce films also. We have the line production team in India and in Dubai. Anybody who wants to shoot in Dubai, we have full team and we welcome them.
वी एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर इंडियन फिल्म मेकर इन दुबई वी आर देयर एंड लेट्स डू द वर्क थैंक यू गुड जॉब दे लुकिंग अमेजिंग ऑन स्क्रीन बहुत ही पेपी गाना है मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने डे वन में बोल दिया था कि वेरी नाइस सॉन्ग एंड द लोकेशन मैं सेट पे था जब ये गाना आया मेरे पास तो हम लोग साथ बैठे थे खाना खा रहे थे मैंने कहा ये गाना है सुन कैसा लग रहा है तो शी हर्ड कहती है बहुत कैची है ये पक्का हिट होगा मैंने कहा तो मैं पक्का कर लेता हूँ फिर थैंक यू हो सकता है आपके कहने से हिट हो गया सर आप दोनों से कॉमन सवाल ये है कि यू आर पार्ट ऑफ द टीवी इंडस्ट्री आजकल सोशल मीडिया का यू नो रील्स बनते हैं और इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है तो कितना मानते हैं कि वो लॉजिकल है एज एन आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या यार आई थिंक अब देखो जैसे जैसे सोशल मीडिया और डिफरेंट काइंड ऑफ मीडिया बढ़ती जा रही हैं हर तरह के कॉन्टेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं तो आई थिंक नया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम पे लोग रील्स के थ्रू अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं अपने आप को दुनिया के सामने अपने टैलेंट को दिखा पा रहे हैं तो अगर कोई इन्फ्लुएंसर तब बनता है जब उसकी फॉलोअरशिप बढ़ती है फॉलोअरशिप कब बनती है जब वो एक अच्छा टैलेंट दिखा पाते हैं वो कुछ ऐसा कर पाते हैं जो ऑडियंस पसंद करती है अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी वो टीवी पे हो वेब पे हो सोशल मीडिया पे हो गानों में हो हम क्रिएटिव वर्ल्ड में काम करते हैं तो क्रिएटिवली अगर कोई रील्स बना के फेमस हो सकता है तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ टैलेंट एंड इट शुड बी रिस्पेक्टेड The best thing is, see, when we give auditions and stuff, we have a time slot. But reels वगैरह जो होती है वो minimum time के लिए होती है और उसमें आप अगर कमाल कर सकते हो it shows that you know within such short span of time you can create magic on screen then you are a star overnight so yeah. I think that's a very good platform for actors people. I think actors who are doing well on TV social media is a way where you can also be an influencer yeah like you can be an actor who has millions of followers you know she has more than a million I also have a good followership so it is just another way of us to show our talent in a different medium and there are some special people like Khushbu who are doing very well only through reels so I think it's a platform for everybody and everybody can show their talent and everybody deserves a thumbs up for that a like for that all right are we done one-on-one kar rahe hain thank you ye gaane ke bare mein success ho chuka hai aaj hum success ka celebration kar rahe hain aapko ye gaana kaisa laga aur starcast ke bare mein kya kehna chahenge song is super amazing and starcast ko bahut soch samajh ke liya gaya hai the girl is very beautiful and khushbu unme se hamesha itni jaisi khushbu aati rehti hai and of course ishan hai song mein एंड या गाने का नाम है मेरी बंदी तो आजकल मेरी बंदी हो या मेरा बंदा हो इधर भागते रहते हैं राखी जी का बंदा भाग गया मेरी भी कुछ टाइम पहले बंदी भाग गई थी तो बंदा बंदी तो चेंज होते रहते हैं तो अच्छा हुआ कि गाना निकला मेरी बंदी के नाम पर न्यू इज ऑलवेज बेटर एंड बंदी बंदी होती है नई हो या पुरानी हो सो एंड ऑफकोर्स एक्चुअली आई एम फायर एज यू नो इन माई वीडियोज़ आप देखते ही होंगे रील्स पर चाहे राखी सावंत के साथ हो चाहे शाइवर के साथ वीडियोज़ हो सो आई एम फायर टू मैच माई लेवल आई नीड सम फायर इन मी एंड फायर फायर जब क्लैश होता तब एक बात बनती है आई रियली एन्जॉय वर्किंग विद हिम बिकॉज मेरा और इसका फ्लेवर एकदम सेम है एंड हमारी बॉन्डिंग अच्छी है और हम दोनों का फ्लेवर एक है हम लोग का स्टाइल एक है हम लोग यूनिक स्टाइल है इसका भी यूनिक है मेरा भी यूनिक है आपको वीडियोस में यूनिकनेस नहीं दिखती दिखी जाती होगी वो तो आपको कि वीडियोस में कितनी यूनिकनेस है यस आप दोनों का कोई म्यूजिक वीडियो अगर कुछ शेयर करना चाहे आप अपने वेरी सून बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड लाइक क्रॉस फिंगर्स उसमें राखी जी की भी अपीयरेंस होगी एंड वी आर कमिंग अप विद अ वेरी 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 बिग बैंग निशांत के बारे में एज एन ह्यूमन बींग एज एन आर्टिस्ट क्या कहना चाहिए एज अ ह्यूमन बींग तो निशान भाई बोलता हूँ मैं उनको और बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यारे इंसान हैं मेरा हमेशा मतलब मेरे लिए स्टैंड लेते हैं मैं मेरा जो रक्षाबंधन फर्स्ट शो है उसमें हमेशा उन्होंने मुझे एक बड़े भाई के तरह समझाया कि कैसे कब क्या करना है क्योंकि एक वेल एक्सपीरियंस पर्सन है वो उनको काफ़ी कुछ आता है काफ़ी उन्होंने सीखा है तो वो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं अक्सर बहुत हेल्प करते हैं वो तो बहुत ही पोलाइट हैं बहुत हम्बल हैं बहुत अच्छे इंसान बीइंग पार्ट ऑफ द शो
हमारी लाडो कट्ठे है। लाडो समर साहब लाडो की पिटाई आ गए भाभी साहब। लाडो कट्ठे है। तो सर क्या लगा यूएसपी आपको इस गाने का? You have heard it, you have seen it, I mean, yeah. यार, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा और बहुत पसंद आया और पब्लिक जो ऑडियंस का रिव्यू है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा आई थिंक काफ़ी 2 मिलियन के आसपास व्यूज़ आ चुके हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके लोग सक्सेस करते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली आई एम वेरी हैप्पी। वो क्या बताइए मेरे दुश्मन का गाना इस एल्बम के बारे में? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ भाई को कि भाई का गाना जो है सुपर हिट हो गया है, ज़बरदस्त चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। आज जो है सारे दुश्मन इकट्ठे हो गए हैं भाई को प्रमोट करने आए हैं। बोला चाहता हूँ कि और ज़बरदस्त इनके आगे भी प्रोजेक्ट्स ऐसे ही आते रहे और सुपर डुपर हिट रहे, बस भाई बिजी रहे बस। मैम दिस प्रोजेक्ट एंड अबाउट निशांत बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट व्हाट? प्रोजेक्ट और निशांत के बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? गाना बहुत क्यूट है, इट्स वेरी क्यूट, जैसा कि उस गाने में है दुनिया से क्यूट मेरी बनती है। थोड़ी सी मुझे जलसी फील हुई थी, मैं पति वाज रोमांसिंग अदर गर्ल, बट या द सॉन्ग इज वेरी पेपी, वेरी कैची एंड आई थिंक इट्स गोना बी अ बिग हिट। इट ऑलरेडी इज एंड मेनी मोर व्यूज टू कम। और निशांत के बारे में क्या बोलूं, क्या ही बोलूं, क्या ऐसे बोलिए, क्या बोलूं, नहीं नहीं अब अच्छा अभी वैशाली से पूछो तो हाँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, दैट ही इज़ डूइंग ऑल द गुड थिंग्स और अच्छा रहा है। बाकी एज अ कनक बोलो तो भाई मैं दीवानी हूँ उसकी, क्या ही बोलूँ। निशांत एंड खुशबू का सॉन्ग बहुत अच्छा हुआ है एंड ऑल द बेस्ट फॉर हिम। और मैं अभी एक दिनेश सोई सर के साथ एक न्यू सॉन्ग कर रही हूँ और ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है और सर ने इसके पहले भी बहुत सॉन्ग्स किए हैं पर ये मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू दिनेश सोई सर। आई थिंक एल्बम सॉन्ग्स का जो अभी क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एंड आई थिंक राम जी सर जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना। निशांत और खुशबू का सॉन्ग मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सॉन्ग एक छोटा बच्चा भी गुनगुनाने लग जाएगा शायद से, और मैंने एक बार नहीं सिर्फ 3-4 बार सुना है और मुझे देखने में भी मज़ा आया जिस तरीके की प्रोडक्शन की गई है, जिस तरीके की क्वालिटी दिखाई गई है, आई रियली लाइक इट। एल्बम के सक्सेस के बारे में और वसीम भाई जो प्रोड्यूसर हैं इसके आई थिंक द एल्बम इज़ वेरी सक्सेसफुल और गाने को बहुत प्यार मिल रहा है। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द ऑडियंस फॉर गिविंग अस सो मच लव एंड मेरी बंदी सबसे क्यूट लग भी रही है और गाना भी उतना ही क्यूट लग रहा है। बाकी आप लोग गाना देखें और प्यार दें। हाल फिलहाल में काफ़ी ऐसे म्यूजिक वीडियो आए जो काफ़ी हिट हुए हैं, ऐसा गाना जो आपको पसंद किया हो, ऐसा कोई गाना जो आपने पसंद किया हो? मुझे मेरी बंदी पसंद है, बस सिर्फ मेरी बंदी, मैं बहुत लॉयल हूँ मेरी बंदी के लिए। How was experience being part of this shoot? I mean, जब दुबई गए थे तो बताइए। बहुत मज़ा आया यार, वी शॉट द होल डे, हमने बहुत जगहों पे शूट किया एंड बहुत बहुत फास्ट शूट किया हमने, एक ही दिन था हमारे पास क्योंकि मैं आई हैड टू गो बैक टू रक्षाबंधन माई टीवी शो, तो आई थिंक एवरीबडी कोऑपरेटेड एंड वी डिड क्रिएट अ वेरी गुड सॉन्ग। लास्टली व्हाट मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? अभी बहुत कुछ ठीक हो चुका है, सब कुछ खुल चुका है, व्हाट इज द फ्यूचर यू आर फाइंडिंग? वेरी गुड, फ्यूचर इज़ वेरी गुड, बहुत सारे नए म्यूजिक वीडियोज़ बन रहे हैं, बहुत सारे ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, माई लेटेस्ट वेब सीरीज इज डूइंग वेरी वेल, शुभ मंगल में दंगल, ओवरऑल आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्राफ फॉर एवरीबडी इन इंडस्ट्री। Thank you. Sir, thinking ideas worldwide, my bro, I love you. Masim sir, congrats. मेरी बंदी काफी successful हो गया, काफी लोगों को पसंद आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस album के success के लिए? Listen, first of all, I want to say that this is not only me. There are many people behind this video, especially Ramji Gulati and Shahbaz Azad, who is the co-producer, and Ramji Gulati is the director. And then of course Nishan Jethi and Khushbu Khan, and the backbone of this video is Dinesh Soi, who's the part of casting, especially this song, because he is no more into the casting, and when I requested that I want this star cast, he was like in I think like in 2 hours it was all done, no? Yeah, and yeah. He's super talented and super connected. Now today you can see like we invited it's a small circuit of
people who be invited, but you can see more than 300 people in the press conference and this event, and all the celebrities and influencers are here, and I want to thank everyone, especially the cast and Ramji Gulati, Shahbaz Azad, Nishan Jethi, Nishan Malkani, Dinesh Soi, Khushbu Khan, everybody. Thank you very much. Dinesh, what do you have to say about the success of this project? मेरे पास एक हफ्ते पहले जी गाना आया था, shooting से एक हफ्ते पहले, and he said कि someone I need who is famous, Khushbu में lead है, and इनका in-house talent है. किसने बोला मेरे बात करके मेरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है. शी इज़ द एक्सक्लूसिव टैलेंट ऑफ इंकिंग आइडियाज़ वर्ल्ड वाइड. अब एंड इसने तीन गाने शूट कर लिए हैं. मुझे तुमसे प्यार हो गया जो इसके बाद रिलीज हो रहा है मेरी बंदी के बाद में, जिसमें आदिल खान है कोरियोग्राफर एक्टर, और एक गाना है या अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह. You know the Pakistani superstar Imran Abbas. Yeah, he's among Pakistan. He's among top 10 handsome men in the world. And he's handsome. बहुत लवी शूट हुआ है गाना. तो इस गाने की बात करें, ये गाना मेरे पास एक हफ्ते पहले आया, एंड ही सेड कि यार मुझे एक सेलिब्रिटी चाहिए जो फेमस हो, अच्छा हो और आ सके. दुबई में शूट है, इतना कहना था. एंड ही इज मोर देन ए ब्रदर टू मी इन मुंबई. अगर मैं कहूँ मेरा कोई भाई है तो डैट इज वसीम रोही. आई कॉल हिम निशान, ही वॉज वेरी जेंटल. ही सेड या ऑफ कोर्स, गाना अच्छा लगा, गाना पसंद आया. एंड जाएंगे वसीम भाई के बारे में, दिनेश सर के बारे में, और निशांत जो काफी को स्टार है सब में. दे ऑल आर वेरी हेल्पफुल एंड वेरी क्रिएटिव, और उनका जो नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का वो एक अलग लेवल का होता है. इन लोगों ने पहले डिसाइड कर लिया था कि गाना सुपर डुपर हिट है, जबकि मैं थोड़ा डाउट में थी और हम लोग थोड़ा डाउट में थे, बट ये और वसीम अमरोही ये दोनों मतलब इतने श्योर थे कि गाना हिट जाने वाला है, तो ऑब्वियसली इनका एक्सपीरियंस बोलता है. एंड हियर वी गो. Thank you. It's an amazing song. बहुत मज़ा आया. Congratulations to both of you. Thank you. You are looking very pretty and looking handsome as always. So yeah, we love the song and congratulations for 2 million, right? Yeah, yeah. More than that, yeah. 2 million plus. Cross platforms, we've crossed 7 million. Wow. And being part of a same show, आप लोग काम करें co-stars में, कैसा अनुभव रहता है जब आप साथ में काम करते हैं? Something you like about him as a person, as an actor? अरे, he's a gem of a person, as I always say. And this is the first time we are meeting outside. Yes, actually. So because हम लोगों ने अभी तक एक दूसरे को सिर्फ अपने शो में ही देखा है, right? Yeah. So he's an amazing person. He has helped me a lot in my first show, as you know, रक्षाबंधन. So yeah. Thank you. निशान बिंग पार्ट ऑफ दिस एल्बम एंड वसीम भाई हू इज द प्रोड्यूसर, क्या कहना चाहेंगे? मेरे गाने बहुत बढ़िया हैं सारे, इश्कम, वल्ला कैफ और तूरा तूरा, बहुत बढ़िया गाने हैं सारे के सारे, और सब 100-100 मिलियन पे चले गए. प्लीज़ मेरे गाने देखो, इश्कम, वल्ला कैफ, तूरा तूरा, बेवफा अभी रिलीज़ हुए हैं, सब देखिए, बहुत प्यारे गाने हैं, मज़ा आएगा आप लोगों को. देखिए सब 2022 के गाने. मेरे गानों की बात करिए. देखिए जितना अली कुली मिर्ज़ा के गाने हैं वो सब मिलियंस में गए हैं, पसंद करना चाहिए, वरना कसम खा के कह रही हूँ के गुर्दे छील देगा टिल्लू. बता रही हूँ, बहुत तपा बैठा हूँ मैं, बहुत टाइम के बाद अली भाई को पकड़ा है, ये हत्ते ना रहे, हर कोई ढूंढ रहा है इनको, इसलिए मैंने पहले पकड़ लिया. भाई के गाने देखते रहियो, और रही बात मेरी बंदी की, तो आज के टाइम में वो कौन सा बंदा जिसकी बंदी ना हो, इसलिए मेरी बंदी तो हिट होनी थी. सबकी बंदियां, एक से एक बंदियां तो हिट होनी थी. मेरी बंदी, तुम्हारी बंदी होगी, तुम जो देख रहे हो तुम्हारी भी होगी बंदी, और जिसकी बंदी नहीं तो उसे सांडे का तेल या कुछ ऐसी चीज़ लगाए ताकि वो फिट रहे, मुझे ऐसा लग रहा है. बंदी तो होनी चाहिए, नहीं तो है नहीं भाई.